अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मसाले भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होता है। इसको एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। चलो आगे की रेसिपी देखते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैं भिंडी को धो के अच्छे से 1 इंच के टुकड़े में काट के ली हूँ। 4 मीडियम साइज के कांदे को मोटे टुकड़े में काट के लेना है। 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट के लेना है। 2 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट लेना है। 1/2 कप दही ली हूँ मैं। कुछ मसाले ली हूँ, मिर्ची ली हूँ। 4 मिर्ची को इस तरीके से कट कर लेना है। जीरा ली हूँ तड़का देने के लिए। थोड़ा सा राई ली हूँ। चाट मसाला है, चिकन मसाला है। गैस ऑन कर देती हूँ। इस पे कढ़ाई रख दी हूँ। बिस्मिल्ला। इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल थोड़ा ज्यादा डालना है, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, चाहे तेल में भी घी में भी किसी में फ्राई कर सकते हैं। भिंडी को अभी मुझे फ्राई कर लेना है। तेल गरम हो चुका है, अभी इसमें मैं कांदा डालते देती हूँ। बिस्मिल्ला। कांदे को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। कांदा मेरा हो चुका है, इसको ज्यादा नहीं भूनना है, खाली नरम हो जाए बस। अब इसमें भिंडी डाल देती हूँ। बिस्मिल्ला। भिंडी को क्यों भूनते हैं? ताकि भिंडी में जो लिभीजापन होता है वो भूनने से ख़त्म हो जाता है, फिर मसाले में नहीं लगेगा। इसके लिए भिंडी को फ्राई कर लेना है। थोड़ा नमक इसमें भी डाल लेना है, बाकी नमक मसाले में डालेंगे। भिंडी मेरा भुना गया है, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अभी इसको मसाले में भी भूनना है। अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसमें तेल नहीं बचा है क्योंकि ये पक चुका है, पूरी तरह से नहीं पका है। इसको मसाले में भी पकाना है, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनी हूँ। कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें तेल डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। इसमें राई और जीरा डाल देती हूँ। इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है, इससे तड़का देंगे तो। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसको थोड़ा भून लेना है, इसका कच्चापन निकल जाएगा। अदरक लहसुन भुना गया है एकदम अच्छे से, कुछ इस तरह इसका कलर आना चाहिए। अभी मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। अभी इसको गलने तक पकाऊंगी, ढक के आँच फ्लेम आँच मीडियम कर देंगे। साथ में इसमें मिर्ची भी ऐड कर देती हूँ ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। टमाटर देखो मेरा गल चुका है, देखो कितना अच्छा ये गल के हुआ है। इसको ऐसे चम्मच से दबा दबा के बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है। इसको लो फ्लेम पे करेंगे तो ये जल्दी गलेगा, और इसमें टमाटर रखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर इसका देखने में, और टेस्टी भी नहीं रहेगा। टमाटर एकदम अच्छे से पक चुका है, एकदम गल गया है। अभी इसमें मैं दही ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन दही से क्या ग्रेवी थोड़ा अच्छा होगा। अभी इसमें मैं नमक ऐड कर देती हूँ क्योंकि भिंडी में भी थोड़ा डाली थी नमक, उसी हिसाब से डालें। हल्दी ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखो इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अभी इसमें मैं ये चिकन मसाला है ये ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह।
अब ये चाट मसाला मैं ऊपर से डालूंगी। ये चाट मसाला घर का बना है। अभी इसको लो फ्लेम पे ही मसाला भूनेंगे। थोड़ा दही का भी कच्चापन चले जाएगा, हल्दी का भी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही। चलो इसको चेक कर लेते हैं। लगता है ये पक चुका है। वाओ, कितना अच्छा कलर आया है। एकदम तेल और मसाला अलग हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही इसमें से। एकदम अच्छे से भुना के तैयार हो गया। अब इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी आधा पक चुका था पहले से ही। बिस्मिल्लाह। अभी इसको अच्छे से सिलो आंच पे ही पकाना है। ज़्यादा तेज करके नहीं पकाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें। थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ये सब पका हुआ है। अभी सिलो पे ही थोड़ा और पकेगा ये। अच्छे से मिक्स हो गया है सब मसाला एकदम। अभी इसमें मैं चाट मसाला डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। इसको भी मिक्स कर देती हूँ। इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। इसमें भुना हुआ जीरा, अजवाइन, सौंफ सब रहता है। बहुत अच्छा खुशबू इसका आता है। भिंडी मेरा पक चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। कितना अच्छा दिख रहा है ये दिखने में, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा ये। अभी इसमें मैं एक चम्मच घी ऐड कर देती हूँ। इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा घी डालने से। बिस्मिल्लाह। घी का फ्लेवर और अच्छा आता है। वाह, कितना अच्छा बनके ये तैयार हुआ है। एकदम स्वादिष्ट भिंडी बना है। अभी इसमें मैं गैस बंद कर दी। बिस्मिल्लाह। अभी हरे धनिए से इसको गार्निश कर देती हूँ। इसका खुशबू तो सबको पता है कितना अच्छा आता है। भिंडी मेरी बनके रेडी हो गई है। बहुत अच्छी भिंडी बनी है। मसाला भिंडी बनके मेरा रेडी हुआ है। अभी मैं इसे सर्व करती हूँ। कितना स्वादिष्ट, दिखने में कितना लाजवाब है। बिस्मिल्लाह। कितना अच्छा बनके ये रेडी हुआ है। आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ। बहुत अच्छा भिंडी बनके रेडी हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बहुत स्वादिष्ट बना है ये। बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे वीडियो मिलते हैं ऐसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।